जय हिंद साथियों, नमस्ते। सभी दीदी भैया को शुभ प्रभात, नमस्ते। चूँकि आज 31 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है और घड़ी की सुइयां तकरीबन 5 बजने ही वाली हैं और यह प्रातःकालीन की बेला है, और मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि हम अभी जा रहे हैं पटना, अपने चिकित्सक से भी मिलेंगे, परामर्श करेंगे उनके साथ, और थोड़ी सी जो मेरी दवा ख़त्म हो गई है, आज तक की दवा बची हुई है, कल से मेरी दवा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे 30 तारीख को ही जाना था, लेकिन उचित धनराशि नहीं एकत्रित हो पाई थी, जिससे जाने में असमर्थता हुई। और यहाँ से मुझे इतना सुबह अहले सुबह इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारा जो नज़दीकी बस पड़ाव है वो तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर स्थित है, और पैदल जाने में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त समय लग सकता है। और चूँकि हमारी बस लगभग 5:30 बजे है, 5:30 बजे पटना के लिए पहली बस जाती है, तो उसी से हम जाएंगे। और चूँकि आज हमारी धर्मपत्नी जी हमारे साथ नहीं रहेंगी, उसका मूलभूत कारण यह है कि हमारी जो बड़ी वाली बच्ची है प्रज्ञा, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कान में तेज दर्द है और खांसी ऐसा है उसको, कुछ कुछ है फीवर वगैरह, तो वो ठीक हो जाएगा, बस कान दर्द है उसी की वजह से शायद ऐसा हुआ, कान में तेज दर्द है। तो हम किसी प्रकार से चल जाएंगे, कोई तो जो हमारी दवा जो हमारे डॉक्टर ने निर्देशित की है वो दवाएं ख़त्म हो गई थी, तो उसी दवा के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के मेडिकल स्टोर में हमारे कहीं भी यह दवा उपलब्ध नहीं है। तो कुछ हम अपने चिकित्सक से विचार विमर्श भी करेंगे, परामर्श भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा हेतु हमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के लिए स्थानांतरित किया है। तो बहुत जल्द हम एम्स के लिए भी जाएंगे, चूँकि हमारा 2-2.5 साल से लंबा इलाज चला अपने नज़दीक के पटना मेडिकल कॉलेज के, जो हमारे गांव से 200 किलोमीटर की दूरी पर लगभग अवस्थित है। तो वहाँ डॉक्टरों ने चिकित्सकों ने स्थिति में कोई सुधार न देखते हुए बाहर एम्स के लिए हमें स्थानांतरित किया गया है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें जो जो हमारे करंट इलाज के हैं, जो हमारे जो आखिरी बार हम जब इलाज करवाने गए थे पिछली दफ़ा, वही पुर्जा हम लेके जाएंगे। केवल पुर्जा तो आप देख पा रहे होंगे, ये और भी बहुत सारे पुर्जा हैं जो मेडिकल स्लिप हैं, ये रहा ये रहा ये रहा, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पटना मेडिकल कॉलेज स्थित देख पा रहे होंगे आप, ये रहा, फिर ये रहा, बहुत सारे हैं जो कि मेरा लंबा इलाज चला है। तो हम नया वाला जो आखिरी बार हम जब गए थे, तो आखिरी बार हम गए थे 19/10/2020 को हम गए थे, जैसा कि आप देख पाए होंगे 19/10/2020 को गए थे आखिरी बार। तो जो हमसे पुराना मांगा गया, तो इसी पर वो डॉक्टर साहब ने हमें दवा निर्देशित कर दी गई, ये है। हम जब आके उससे पहले हम गए थे 9/10/2020 को, आप देख पा रहे होंगे 9 है ना, 9/10/2020 को हम गए थे, तो फिर से हम पर्ची कटवा लिए थे 9/2020 को हम गए थे, तो फिर से हम जब गए आखिरी बार तो पर्ची कटवा लिए, जो कि है 19/10/2020 को, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी पुरानी वाली मेडिकल हिस्ट्री दिखाइए। तो जब हम उन्होंने दिखाया ये स्लिप पिछली बार वाला, तो इसी पर उन्होंने दवा अंकित कर दी, अब देख पा रहे हैं दवा अंकित कर दी, एक दवा को बढ़ाते हुए, और ये है रेफर टू, ये हम दिखा दें, रेफर टू AIMS, आप यहाँ देख पा रहे होंगे रेफर टू AIMS, और ये हमको जब तक हमको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नहीं जा पाएंगे, तब तक ये हमारी दवा निर्देशित कर दी गए हैं।
डेढ़ दो महीने के लिए ली गई थी, निर्देशित की गई थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हम करीब 15 दिन का ही दवा ले पाए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि डेढ़ दो महीना और खाइएगा इस दवा को, या फिर बीच में आप कभी भी जा सकते हैं अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए और कुछ आप समर्थ हों तो जा सकते हैं। तो यह केवल हम इसी को लेकर जाएंगे और बाकी एक और ये भी ले लेते हैं, दो पुर्जा लेकर जाएंगे और बाकी सब जो भी मेडिकल हिस्ट्री से संबंधित हमारी जो कागजात हैं, और ये कुछ बिल्स हैं, ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के हम देख पा रहे हैं, कुछ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बिल हैं, 1, 2, 3 इस तरह के केमिस्ट और ड्रगिस्ट के बिल हैं। तो इसे हम लोग ज़रूरी कागजात हैं हमारे चिकित्सा के लिए, हम इसे अच्छी तरह से रख देंगे, इसको रख देना और हम इसमें केवल जो हमारा नया वाला पुर्जा स्लिप है वो हम लेके केवल जा रहे हैं। और ये जो आप ध्वनि सुन पा रहे हैं बीच बीच में, ये हमारे गांव के सोन नदी के सूर्य मंदिर की ये जो ध्वनियाँ हैं वहाँ से ये आपके कानों तक पहुँच रही होंगी। तो वहाँ पूजा का भजन कीर्तन होता है, तो वहीं का ये मंदिर की आवाज़ है, और सभी शुभचिंतकों मित्रों का आत्मीय आभार धन्यवाद जो उन्होंने मेरी इस मुश्किल घड़ी में हमें सहयोग किया और हिम्मत ढाढ़स बंधाया। सभी आत्मीयता से मैं सभी सामाजिक सरोकार के लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लाइकी तो इसी आशा उम्मीद में कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तब तक के लिए अभी के लेते हैं विदा, और हम तो अब चलते हैं पटना, हम मिलते हैं जब हम बस स्टैंड पहुँचेंगे और पटना पहुँचेंगे तो वहाँ भी आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, तभी के लिए इतना है, मिलते हैं थोड़ी देर में, धन्यवाद आभार। तो चूँकि अभी अंधेरा ही है और चूँकि हमारी पहली बस तकरीबन 5:30 है तो हमें विलम्ब रहे तो निकलते हैं, काफ़ी अंधेरा है। लड्डू हमारा तो दिख नहीं रहा है अभी, आ गया लड्डू आ गया मैं लड्डू चलते हैं तो लड्डू का देखें, हाँ शेक हैंड लड्डू लाइए। और इधर एक चापाकल हैंडपम्प और सामने से आती जाती गाड़ियाँ, ये है NH 139 है, और इधर मैं रहा, हमारी बस अब आने ही वाली होगी। अंततः बस में सवार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं पटना अपने चिकित्सक के पास, देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करते हुए और बस भी खाली खाली है। सुप्रभात दीदी भैया, नमस्ते। हम पटना के अभी अति विशिष्ट हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे पटना का ये प्राचीन महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर, आप ये इसका मुख्य द्वार है आप देख पा रहे होंगे, ये मुख्य द्वार है पटना का महावीर मंदिर का आप देख पा रहे होंगे, और यही है। चलेंगे हम अंदर भी, थोड़ी सी पूजा अर्चना कर लें, भगवान से मिन्नतें दुआएं, हमारा स्वास्थ्य भगवान महावीर बजरंगबली ठीक कर दे हमें। हम जैसे ही हनुमान मंदिर पहुंच ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ी भारतीय रेलवे पर, जो कि एक पुराना वाष्प इंजन है, आप देख पा रहे होंगे भारतीय रेलवे की एक बहुत ही पुराना साबरमती का संत ऐसा वहां अंकित किया गया है, आप सामने से अगर आपको नज़र आ रही हो तो चप्पलें यहां एकत्रित की जाती हैं और ये निशुल्क सेवा है, सेवार्थ भावना से तो हम भी यहाँ जूते चप्पल अपना जमा कर दे रहे हैं, हम चप्पे हम, और ये टोकन ये रहा, ये हमें टोकन दे दिया गया है 99 नंबर टोकन। और अंततः हम आ गए हैं
जहाँ से हम दवाएं अक्सर ख़रीदा करते हैं, वैशाली फार्मास्यूटिकल्स आपको सामने दिख रहा होगा, और वहाँ हम अपनी दवाएं जो हमें निर्देशित की गई हैं वो हम दवा लेंगे। हम चल रहे हैं वैशाली फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल की ओर। आज है 30 अक्टूबर 2020। ये हम दवा इन्हें दे रहे हैं खरीदने के लिए, लेने के लिए, मेडिकल वाले भैया हैं। आज है 30। ये दवा दे दी भैया, ये सब एक महीना की दवा दीजिए ना, ये सब सब ठीक मिलेगा। नमस्ते दीदी भैया, प्रणाम। और हमारा दवा लेने का समय हो चुका है। हम दवा, लेकिन दवा लेने से पहले, दवा खाने से पहले, उन सभी तमाम दीदी भैया, बुद्धिजीवी और सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का आत्मीय आभार, धन्यवाद, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ निभाया, दुख की घड़ी में हमारी मदद की, उन तमाम देशवासियों से ही सभी दीदी भैया का आत्मीयता से आभार, धन्यवाद। तो वीडियोस के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सुख दुख को समझा, उसे महसूस किया और जिससे जितना हो पड़ा सहयोग भी किया। तो चलते हैं अब दवा लेने, दवा खाने। दवा हम ले लेते हैं अपना। ये हमारी कुछ दवाएं हैं जो हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे चिकित्सक ने हमारे लिए निर्देशित की हैं। इसे हम अब खोलते हैं। पहले तो ये एक्टिव सिरप है और ये कोर सिरप है, शायद विटामिन्स का है। हाँ, ये विटामिन्स का ही है। और ये कुछ दवाएं हैं, इसे हम बाद में लेंगे, पहले हम ये दवा सिरप लेते हैं। ये मैंने पिछली बार भी दवा लिए, डॉक्टर ने हमें वही दवा निर्देशित की है। अच्छी तरह हम इसे हिला लेते हैं, इसे खोलना पड़ेगा। बहुत था इसका, इसे दो दो चम्मच लेना की आवश्यकता होती है। दवा खाने का बहुत ही बुरा अनुभव होता है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे किसी को दवा खाने की ज़रूरत हो, ये बुरा अनुभव हम समझ सकते हैं। और बाकी जो ये दो तीन दवाएं और हैं, ये रात में खाना है तो इसे हम रात्रि में ही प्रयोग करेंगे, और बाकी सब सुबह शाम और कुछ दिन भर में तीन बार। इसे बाद में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो दीदी भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी दुख पीड़ा सुनने और समझने के लिए, और वीडियोस के आखिर तक हमारी बात को सुनने के लिए। तो लेते हैं अभी के लिए इतना ही। ले